जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आईटीआई पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदु ये रहेगा कि अगर कोई स्टूडेंट एक ही सेशन में दो डिग्री ले लिए हुए हैं तो वो आरआरबी एनटीपीसी के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो इसी में फंसेंगे कि वो ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं और आईटीआई भी दोनों एक साथ किए हुए हैं। अधिकतर स्टूडेंट इसी में फंस रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट वैसे हैं जो कि आईटीआई भी किए हुए हैं और इंटर दोनों एक साथ किए हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट वैसे मिल जाएंगे जो कि ग्रेजुएशन और डिप्लोमा दोनों एक साथ किए हुए हैं एक ही सेशन में, उनका सेशन ओवरलैप कर रहा है तो उनको क्या करना है। दूसरा बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों का फॉर्म क्या एक साथ अप्लाई होगा या फिर अलग अलग अप्लाई होगा। अगर अलग अलग अप्लाई होगा तो क्या दोनों के लिए अलग अलग फी पेमेंट करना पड़ेगा या फिर एक ही फी में दोनों का काम हो जाएगा। उसके बाद तीसरा बात करेंगे कि ग्रेजुएट लेवल के लिए कितना एग्जाम होगा, जैसे टीयर वन, टीयर टू, साइको, तो इस तरह से कितना एग्जाम होगा, सीबीटी वन, सीबीटी टू करके एग्जाम होगा, तो कितना एग्जाम होगा ग्रेजुएट लेवल में, और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए कितना एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम कितना होगा, एक एग्जाम होगा या फिर दो एग्जाम होगा, इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले साथियों, आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और रेलवे या फिर बीएसपीसीएल या फिर किसी भी बिहार गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पर कि आपको किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड या फिर बीएसपीसीएल से रिगार्डिंग या फिर रेलवे से रिगार्डिंग अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको ग्रुप में सबसे पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अभी फिलहाल हम टेलीग्राम ग्रुप में बीएसपीसीएल टेक्नीशियन और कॉरेस्पोंडेंस कलर के लिए हिंदी और कंप्यूटर का नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को हैंड रिटन नोट्स मिले हिंदी और कंप्यूटर का, तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर जाएं। साथियों, आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं कि अगर कि नहीं स्टूडेंट के पास एक ही सेशन में दो डिग्री है तो वो क्या करेंगे। तो जान लीजिए साथियों कि रेलवे जो अभी जो फॉर्म अप्लाई करने का जो एक नया प्लेटफॉर्म निकाला है, नया जो पोर्टल तैयार किया है, उसमें एक नया नियम ऐड कर दिया है। पहला नियम तो ये ऐड किया कि आपको एक बार रेलवे के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, चाहे आप किसी भी जोन में फॉर्म भरें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप एक बार आरआरबी के पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप जो जिस जोन को आप चूज करना चाहते हैं उस जोन को चूज करके आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एएलपी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी आप उसी रजिस्ट्रेशन से भर सकते हैं, टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी आप उसी रजिस्ट्रेशन से भरेंगे, जेई का फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी आप उसी रजिस्ट्रेशन से भरेंगे, और एनटीपीसी का फॉर्म भी अगर भरना चाहते हैं तो आप उसी रजिस्ट्रेशन से भरेंगे, और ग्रुप डी का भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप उसी रजिस्ट्रेशन से फॉर्म भरेंगे। इससे पहले ये सिस्टम एसएससी में था, जहाँ एसएससी भी आपको कोई भी फॉर्म भरिए या फिर एमटीएस भरिए या फिर सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर एसएससी जेई, जो भी फॉर्म भरिए, सब के लिए रजिस्ट्रेशन आपको एक बार करा लिया जाता था। और वो जो रजिस्ट्रेशन आप करा ली हो गया है आपका, अब जितने भी एसएससी का फॉर्म भरे इस साल, अगले साल, इसके 5 साल बाद, 7 साल बाद, जब भी आप भरिएगा तो आपका वही रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप फॉर्म फिल कीजिएगा। अब यही सिस्टम आरआरबी रेलवे बोर्ड ला दिया है। इसमें देखिए साथियों क्या हो रहा है, रेलवे को सुविधा है,
रेलवे को ये सुविधा कि किसी भी स्टूडेंट का डाटा बार बार नहीं लेना पड़ेगा या फिर बार बार एकत्रित नहीं करना पड़ेगा। एक बार स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसका प्राइमरी डाटा जो कि किसी भी फॉर्म भरने के लिए जो सबसे बेसिक होता है यानी कि 10th आधार DOB स्टूडेंट डिटेल प्रोफाइल जो है वो एक बार रेलवे के पास उपलब्ध रहेगा। अब आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसका क्या क्वालिफिकेशन है, अगर वो क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें तो देखिए ये रेलवे को सुविधा हो गया, लेकिन अब देखिए कि स्टूडेंट को क्या दिक्कत हुआ। स्टूडेंट को ये दिक्कत हुआ कि मान लीजिए कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अब उसी रजिस्ट्रेशन पे आप टोटल फॉर्म भर रहे हैं, उसी पे आप LP भी भरे हैं, उसी पे आप टेक्नीशियन भी भरे हैं, उसी पे आप RPFSI भी भरे हैं, उसी पे आप NTPC भरिएगा, उसी पे आप RRBJEE भी भरे हैं और उसी पे आप ग्रुप D भी भरिएगा। अब देखिए समस्या कहाँ उत्पन्न होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ग्रेजुएशन कर रहे थे और उसी टाइम रेलवे में नौकरी पाने के लिए जैसे ALP टेक्नीशियन बनने के लिए ITI भी साथ में कर लिए। अब वो तो ये सोच के किए कि देखिए NTPC हम भरेंगे ग्रेजुएशन से और मैट्रिक प्लस ITI से हम ALP और टेक्नीशियन का फॉर्म फिल कर देंगे। उनका सोचना भी सही था, सही सोचे थे, क्योंकि इससे पहले जो रेलवे लेता था उसको मतलब सिर्फ एक एग्जाम से रहता था। अगर हम NTPC भराए हैं तो इसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन होगा, अलग फॉर्म भराएगा, इसका टोटल डाटा अलग रहेगा। अब अगर हम ALP टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भराए हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन भी अलग होगा, इसका डाटा भी जिस जोन में उस जोन में रिस्टोर होगा। लेकिन अब इस बार से रेलवे क्या किया है कि एक रजिस्ट्रेशन करवा ले रहा, अब उसी रजिस्ट्रेशन से आपको टोटल फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी कि एक डाटा अगर वो चेक करने के लिए जाएगा आपके पोर्टल पे अगर ALP का, तो चाहेगा तो टोटल का डाटा चेक कर सकता है। टोटल डाटा एक पास में है तो उसको चेक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इंटर करते करते ITI कर लिए हैं, क्योंकि ALP टेक्नीशियन के लिए उनको मैट्रिक प्लस ITI चाहिए और जिनको नौकरी का जल्दी था तो वो इंटर भी कर रहे थे और साथ में ITI भी कर लिए, उनको भी दिक्कत है। उसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि डिप्लोमा कर रहे थे और साथ में कहीं से भी ग्रेजुएशन भी कर लिए, सोचे जहाँ डिप्लोमा का यूज करना होगा डिप्लोमा यूज करेंगे, RRBJEE के लिए और फिर NTPC के लिए ग्रेजुएशन उपयोग कर लेंगे। लेकिन अब चूंकि एक ही रजिस्ट्रेशन से करा रहा है तब यहीं आके सब फंस गए हैं। अब देखिए साथियों इसका समाधान क्या है, तो सबसे इसका लास्ट समाधान यही जान लीजिए कि जो स्टूडेंट अगर ALP टेक्नीशियन का फॉर्म भर चुके हैं और उनका सेशन मैच कर रहा है ग्रेजुएशन से या फिर इंटर से, तो वो NTPC भरने का नहीं सोचेंगे, वो NTPC भूल के भी नहीं भरेंगे। क्योंकि देखिए आपका ITI ज़्यादा उपयोगी है, आपके ITI से आप ALP भरे हैं जो कि 18,000 सीट है, टेक्नीशियन भरे हैं जो कि अब लगभग 9,500 सीट हो गया है, उसके बाद ग्रुप डी आपका आने वाला है जो कि लगभग 1,00,000 सीट रहने वाला है, 66-67,000 बता रहा है, इंक्रीज होकर लगभग 1,00,000 होने की संभावना है। तो देखिए इतना तीन में आप 1,00,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000 28, 1,28,000 वैकेंसी आपको ITI से रिलेटेड है। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन से देखते हैं तो आपका टोटल वैकेंसी कितना है, मात्र 8,113 वैकेंसी, वो भी इसमें ग्रेजुएट लेवल पर है। तो देखिए ITI कम लोग करते हैं, ऐसे अब तो ITI भी बहुत लोग कर लिए हैं लेकिन फिर भी ग्रेजुएशन की अपेक्षा कम लोग ही ITI किए हैं और ग्रेजुएशन तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट किए हुए हैं। तो ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं भीड़ होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो लोग CGL की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आपका BSSC CGL 4 का तैयारी कर रहे हैं,
वो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरेंगे, लेकिन वो एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरेंगे। तो जिनका भी अगर सेशन ओवरलैप कर रहा है, हाँ अब देखिए एक सेशन में किए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए कि 15 से 18 ग्रेजुएशन किए हैं और फिर इस बीच में मतलब 16 से 18 आईटीआई किए हैं, इस तरह से किए हैं तब तो सेशन मैच हो ही रहा है। अगर आपका 15 से 18 ग्रेजुएशन है और 17 से 19 आपका अगर जो आईटीआई है तब भी सेशन ओवरलैप कर रहा है, तब भी आप दोनों फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब भरने के बाद आपका दिक्कत क्या होगा कि मान लीजिए कि आप भर दें कि चलो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर एडमिट कार्ड आ जाएगा तो एग्जाम दे देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप दोनों का ओवरलैप करता और दोनों वैकेंसी आपका कैंसिल कर देता है तब क्या होगा, आप ना ही इस एग्जाम के लायक रहिएगा और ना ही दूसरे एग्जाम के लायक रहिएगा। तो इन सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा साथियों, और आप जो भी भरिए अगर आपका सेशन मैच कर रहा है या सेशन ओवरलैप कर रहा है तो देखिए कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको ज़्यादा उपयोगी है, उस सर्टिफिकेट को लेके आप आगे बढ़िए, दूसरे वाले को आप अपने फाइल में रख दें और वो जब बीएसएससी सीजीएल 4 आए या फिर बिहार एसआई आए या फिर कोई स्टेट लेवल का कोई और वैकेंसी आए, रेलवे से अलग कोई वैकेंसी आए, तो उसमें आप उसका यूज करें। जहां पर कि आपका एक रजिस्ट्रेशन आपको हमेशा के लिए नहीं दे दिया गया हो वहां आप उस सर्टिफिकेट का यूज करें, लेकिन जहां रेलवे में देखिए क्या है कि टोटल सर्टिफिकेट टोटल रजिस्ट्रेशन एक ही रजिस्ट्रेशन से टोटल फॉर्म भराना है तो यहां दिक्कत हो जाएगा आपको। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा साथियों, यही आप लोग से बात करना था। थैंक यू।